बारिश का मौसम है, मौसम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मौसम सुहाना है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो बिजनेस रहता है। बिजनेस कितना अच्छा है, बारिश आकर चली जाएगी, लेकिन ये जो बिजनेस का दौर चल रहा है ना, वो पूछना बहुत जरूरी है लोगों से कि वो दौर किस तरह का चल रहा है, तीसरी लहर के लिए हम कितना तैयार हैं अपने बिजनेस को लेकर, यही जानने की कोशिश करेंगे। आज दिल्ली के एक फेमस मार्केट में हम पहुंचे हैं, जनपथ, जहां पर अमूमन बहुत भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप इस तरफ सड़कों की तरफ देखें तो आपको कुछ गाड़ियां, ऑटो, बस, कारें जरूर दिख जाएंगी, लेकिन ये मत समझिएगा कि बारिश की वजह से यहाँ भीड़ कम है। अब दूसरी लहर के बाद यहाँ पर अमूमन भीड़ कम ही है। पहले अगर आप इस मार्केट में आए होंगे तो ये मार्केट खचाखच भरी रहती थी, आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर ना दुकानदारों के पास काम है और जो लोग चीजें खरीदने आ रहे हैं उनका भी यही मानना है कि शॉपिंग में वो मजा नहीं आ रहा जैसा पहले आता था। तो तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे, चलिए आपको लेकर चलती हूँ आज इस मार्केट की सैर कराने। जनपद की गुजराती मार्केट में इस वक्त हम खड़े हैं और अमूमन यहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिलती थी, और मेरे साथ है ममता। ममता, कब से आप ये चला रही हैं दुकान? बचपन से 17 साल की थी। हाँ जी, और चलिए उम्र वैसे पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कितने साल की हैं? 29। मतलब लगभग आपको 10 साल से ऊपर हो चुका है। हाँ जी, 10 साल, मतलब आप तो बहुत अच्छी स्टोरी हमारे पास है। 10 साल में आपने कितना चेंज देखा है यहाँ पे? बहुत चेंज देखा है। 7-8 साल पहले इतने कस्टमर्स, इतने फॉरनर्स आते थे, अभी उनका कोई नामो निशान नहीं है, और ये कोरोना काल के बाद तो एकदम से बंद हो गए, इंडियंस भी आना बंद हो गए, और अब बोल रहे हैं कि मार्केट भी बंद होने वाला है, ऐसी बातें चल रही है, तो इसमें तो बिजनेस कुछ है ही नहीं इस बार तो। कभी ऐसा सोच में आया कि छोड़ देती हूँ, क्यों कर रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिजनेस तो बहुत ही है। अगर अच्छी सेल उस टाइम की पकड़े तो 20-40 हज़ार कहीं नहीं गए इस सामान के अंदर, और अभी जो सेल हो रही है एकदम लेस हो रही है। अब कस्टमर जब आएंगे तब से वही जितने में होती थी उतने में ही होंगे, और अभी भी नौकरी वाले भी बिचकड़े परेशान हो रहे हैं, तो ये बिजनेस ही ठीक है, नौकरी से अच्छा बिजनेस है, भले थोड़ा कम हो या फिर ज़्यादा हो, फ़ायदा ही है इसमें। एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, फर्स्ट वेव आई, उसके बाद फिर से हम सब ने रिकवर किया, खासतौर पर बिजनेस वाले लोगों ने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की, उसके बाद सेकंड वेव आई। फर्स्ट वेव के बाद और सेकंड वेव के बाद किस में ज़्यादा नुकसान हुआ या फिर थोड़ा सा संभला है बिजनेस? सेकंड वेव के बाद। फर्स्ट वेव में तो चलो बंद हो गया था सब कुछ, तब ऑनलाइन का कुछ था नहीं। सेकंड वेव आने से पहले कुछ ऑनलाइन का चालू किया है, तो अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो ऑनलाइन में तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है, ऐसा है। तो ऑनलाइन के लिए आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के अलावा? ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट से आपको अच्छा बिजनेस मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। कुछ ऐसे टिप्स जो उन लोगों को आप देना चाहें जो ये सोच के बैठ जाते हैं कि मेरे पास इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को नहीं है, मैं नहीं कर सकता? इन्वेस्टमेंट तो मैं बता रही हूँ कुछ भी नहीं होती, अगर इंस्टाग्राम, ओके क्रेडिट, कोई भी आप ऐप यूज़ करें, चार्ज वाले ऐप्स यूज़ ना करें तो ठीक है, जिसमें चार्ज लगते हैं। इंस्टाग्राम जैसे कि ठीक है, उसमें पोस्ट डालने हैं, कस्टमर्स को अच्छे लगते हैं, वो रिप्लाई देते हैं, उसमें बिजनेस हो जाता है। ठीक, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल? अभी हाल ही में यही सब कोरोना का लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला, फिर हम आए इधर आके भी है ही नहीं कुछ कस्टमर। तो अभी हमारे यहाँ पे मार्केट डाउन है, मार्केट के चलते हमारा चलता है, सही ही सब है हमारा। तो थर्ड वेव आएगी तब देखा जाएगा थोड़ा, तो अभी तब तक तो हमने फिलहाल कुछ कर रखा है, तो हो सकता है कुछ। इस तरह से ऑनलाइन कर रहे हैं अपना बिजनेस? ऑनलाइन नहीं कर रहे हम लोग, ऑनलाइन था लेकिन कोई ऑनलाइन में अभी कस्टमर उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अभी 2 मंथ से तो ऐसा ही एकदम ऐसा ही, शाम को थोड़ा बहुत 5 PM कस्टमर होते थोड़े बहुत। पहले हमारी सेल थी समझ लो 3-4 हज़ार, और अभी हो रही है 500-1000 बस। किराया हमारा यहाँ पे 100-200 रुपये किराया आने का लग जाता है। कितने साल हो गए यहाँ पर दुकान? अरे हम तो 70 से हैं मैडम जी।
और सबसे बुरा टाइम मेरे ख्याल में यही देख रहे हैं। यही देखा जी, जैसे मैंने नहीं देखा टाइम, यही टाइम देखा, सबसे बुरा टाइम यही देखा मैंने। की गुजराती मार्केट में इस वक्त हम खड़े हैं और मेरे साथ हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर पूरी मार्केट सुनसान पड़ी है, किसी एक शॉप की बात तो मैं नहीं करूंगी। ये सेकंड वेव के बाद ज्यादा दिखाई दिया है कि फर्स्ट वेव के बाद भी कुछ ऐसा ही था? फर्स्ट वेव के बाद भी ऐसा ही था, इट वॉज मोर और लेस ऐसा ही चल रहा था, स्लो था, ग्रेजुअली थोड़ा बिजनेस पिकअप हुआ था, बट फिर अगेन वी हैड अ लॉकडाउन, उसके बाद फिर वापस स्लो आ गया। अब बात हो रही है कि थर्ड वेव भी आएगी, उसके लिए तैयार हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम तैयार तो नहीं है, बस ये है कि अगर बंद के बजाय जैसे अभी केजरीवाल जी कह रहे थे कि ऑड इवन करेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू शॉपकीपर्स, एटलीस्ट एक स्टॉप नहीं लगेगा एंड कम से कम रोलिंग चलती रहेगी कि अगर हम शॉप पे आ रहे हैं ऑड इवन बेसिस पे तो कम से कम कोई ना कोई तो आएगा ना एकदम, इट विल नॉट बी अ फुल स्टॉप, इट मे बी अ कॉमा। और प्रिपरेशन ये है कि भैया वी विल अगेन do follow all the protocols whatever the market has to follow, chahe wo sanitization ho ya fir social distancing ho ya wearing a mask ho. Kitna asar dikh raha hai corona ka shopping par? Bahut asar dikh raha hai, yahan to bahut rush hota hai. To kya lag raha hai, samaan mehanga mil raha hai ya fir bargaining achhi ho rahi hai? Nahi, jo branded hai wo to rate to rate mil raha hai, patri wale mein thodi bargaining hai. Pehle maza aata tha shopping karne mein, ab zyada maza aa raha hai? Nahi, main to first time nikli hu to main bata nahi sakti. Khali hai na to acha nahi lag raha, jo acha lagta hai crowd घूमने में मजा नहीं आ रहा है। आप स्टॉक है या फिर लग रहा है कि नहीं? हाँ, स्टॉक है। कुछ असर पड़ा है कोरोना का या फिर महंगा सामान मिल रहा है या फिर बार्गेन कर ले रहे? तो बढ़ गए, बार्गेनिंग कुछ नहीं है। थर्ड वेव के लिए कितनी तैयारी है शॉपिंग को लेके? किसी को ना मतलब जल्दी से जाने नहीं दिया जा रहा, चेकिंग की जा रही है और काफी कॉस्ट बढ़ गई है जिससे लोग परेशान भी। थैंक यू। तो फिलहाल ये जो एपिसोड है मुझे यही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत कम है, ज्यादा कुछ करने को मिल नहीं रहा, लोग यहाँ मिल नहीं रहे, फुटफॉल बहुत कम है। आज इस तरह की मैंने आपको दुकाने भी दिखाए जहाँ पर बिल्कुल ही दुकानदार जो है वो खाली बैठे हुए हैं। तो आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो पैंडेमिक है ये चला जाए और एक बार फिर से हम बाजारों में भीड़ देखें, शॉपिंग देखें, बातचीत करें और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनका ख्याल रखें। तो ओके क्रेडिट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एपिसोड। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।